Yeah, hi. Yes, good morning, everyone. Yeah, so we have students online. Can you hear me now, everyone? Quickly show me a thumbs up. Yes, hi guys. So there was some technical issue because of which the complete streaming was delayed. But am I audible now, everyone? Yeah, am I audible? Acha. Yes, thanks Mehak for the confirmation. Hi Divya, Khush, everyone. Great. Chalo, let's go ahead. So upfront, let me tell you, the paper was moderate. Many of you might say tough. The paper was moderate. There were some surprises. For example, no DI, then three, short answer question, even in verbal, that has happened for the first time. But no surprises if you have been following, CAT lectures. So you know that IIMs have been asking that para-jumbled question in the short answer form. That means if you need to just write the correct order of sentences in the short answer form. So yes, that was another thing. Another thing was there was not much of higher mathematics. Now, once again, when I say higher mathematics, matlab, I'm not including the logarithm and functions in that. Typical that determinant, matrices, calculus. So no, there was nothing like that. There was just one question of determinant, or you can say matrices, right? Just one question. All other trigonometry was also very simple. A little less geometry. Yes, do you all agree with that, guys? Chalo, so let's begin with the analysis. So I'll take up one student on the call, and yes, let me understand. Okay, what was that student's feedback for this particular paper? Right. So just a moment. We have one student online, guys, and we are going to discuss this. Hi, what's your name? सनी, हेलो. हाँ जी सर, सनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट. सनी, आपने अभी आईपी मैट इंदौर का पेपर लिखा? नहीं सर, मैं यस, ओके. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट द स्टूडेंट टू कॉल मी. ओके, जस्ट अ मोमेंट. हाँ, यस. सो कुश और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन कॉल मी गाइस, सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन. राइट, चलो गाइस. सो लेट मी क्विकली सी के व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग. सो पहले मैं पेपर बता देता हूँ आपको कि क्या था पेपर, ठीक है? एंड देन विल स्टार्ट विद द डिस्कशन. आई विल कीप टेकिंग फीडबैक इन द मीन टाइम. प्लीज मैंशन गाइज इन द चैट बॉक्स, प्लीज मैंशन दिस थिंग. शॉर्ट आंसर आपने कितने अटेम्प्ट किए, जस्ट राइट योर अटेम्प्ट ओवर देयर. आपके अटेम्प्ट कितने थे? तो शॉर्ट आंसर, सपोज आपने 7 अटेम्प्ट किए, फिर एमसीक्यू अगर आपने 10 अटेम्प्ट किए, एंड वीए अगर आपने 12 अटेम्प्ट किए. सो दिस इज हाउ यू विल मेंशन इन द चैट बॉक्स. एवरीवन प्लीज हिट द चैट बॉक्स इन दिस फॉर्म विद सेपरेटेड विद कॉमा. एक ही लाइन में लिखना, ठीक है? एक ही लाइन में लिखना, अलग अलग से मत लिखो. मैं फिर से बताता हूं आपको अपने अटेम्प्ट, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट. यस, या हु इज देयर? हेलो, हेलो या हु इज देयर? सर, खुश मंसूर। हाँ खुश, यस प्लीज बी ऑनलाइन. आवर व्यूअर्स आर ऑलरेडी देयर, सो यू कैन जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस. बट बिफोर दैट खुश, लेट मी जस्ट क्विकली टेल आवर व्यूअर्स दैट प्लीज राइट योर अटेम्प्ट्स ओ इन द चैट बॉक्स. गाइज, यू विल राइट अटेम्प्ट्स इन दिस वे. शॉर्ट आंसर सेक्शन में आपने कितना अटेम्प्ट किया, फिर एमसीक्यू सेक्शन क्यूए एमसीक्यू में आपने कितना अटेम्प्ट किया, और वीए में आपने कितना अटेम्प्ट किया, तो आप इस तरीके से चैट बॉक्स में मेंशन करोगे. यस कुश, सो हाय, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी. सो एवरीवन, वी हैव कुश बंसल विद अस, हु अपीयर्ड फॉर आईपी मैट इंदौर पेपर. ही इज एन अनअकैडमी स्टूडेंट. एंड यस कुश, सो द फर्स्ट थिंग, हाउ इज द पेपर ओवरऑल कुश? सर मॉडरेट सर, इजी टू मॉडरेट था, करेक्ट? यस सर, मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट कह सकते हो, मतलब यू आर वेल प्रिपेयर्ड, करेक्ट? ओके कुछ, अपना अपना अनअकैडमी के मॉक लिखते थे? यस सर।
हाँ कुछ थोड़ा सा लाउडली बताओगे, थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है। यस सर। हाँ अनअकैडमी मॉक। ओके सो डू यू थिंक द पेपर वाज एट पार विद दोज अनअकैडमी मॉक्स? यस सर। राइट ओके कुछ व्हाट वर द सरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू यू? टीटा क्वेश्चन इन वर्बल इज इट? ओके एंड कुछ अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट इन शॉर्ट आंसर एंड हाउ वाज द शॉर्ट आंसर सेक्शन? वाज इट टफ इजी और मॉडरेट? शॉर्ट आंसर मॉडरेट और सब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके 10 आउट ऑफ 10 कुछ आर यू श्योर? यस सर। ओके एंड आपने एमसीक्यू में कितने अटेम्प्ट किए? 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 20 यू अटेम्प्टेड 9। Yes, sir. Okay, fine, great. And how about verbal? How was your experience of verbal section? Sir, verbal was also moderate. Moderate. Okay, fine. ठीक है. Thanks, Kush. So join me in the session. Just join me at the in the chat box, and we'll discuss more. Okay. Yeah. So guys, we had one caller, and he just appeared for this IP mat. So everyone, please mention. नहीं मानस, I'm just asking. This is an example. एग्जाम्पल गाइस के ये आप ऐसे आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं उसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है? गाइस वर देयर डीआई क्वेश्चंस? बिकॉज समवन सेड देयर वाज नो डीआई। सो गाइस वर देयर डीआई क्वेश्चंस, यस और नो? Everyone, please comment in the chat box. Were there DI questions? Okay, DI was tough, is it? There was a tough DI set. ठीक है ना? हाँ. So there were last five questions were of DI, is it? 4 question, 5 question, guys. यही तो problem है. आप लोग ये भी नहीं बता पा रहे हो. किसी ने तो मुझे ये कहा कि DI था ही नहीं. Now this is height. मतलब वो बंदा last question तक जा ही नहीं पाया. है ना? अच्छा DI was very tough, is it? Okay. And there were 5 questions. There were 5 DI questions towards the end. इन द एमसीक्यू सेक्शन, करेक्ट? एमसीक्यू सेक्शन में लास्ट 5 क्वेश्चन डीआई के थे. ओके फाइन. ओके डीआई वॉज अबाउट विन्स लॉसेस एंड ड्रॉज. ओ माई गॉड, गेम्स एंड टूर्नामेंट पूछ लिया. गेम्स एंड टूर्नामेंट पूछ लिया गाइज. विन्स ड्रॉज एंड लॉसेस, मतलब ये तो गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया बिल्कुल, है ना? अरे बाप रे. ओके चलो तो गाइज अगर आपने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स नहीं किया है सो डीआई केसलेट देयर वर 5 क्वेश्चंस ऑफ डीआई एंड इट वाज बेस्ड ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट. एवरीवन गेम्स एंड टूर्नामेंट, ठीक है? यस ओके फाइन. अच्छा गाइस चलो जल्दी से एक के बाद एक क्वेश्चन शुरू करते हैं. कैन यू प्लीज टाइप ऐसे क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. अगर आपको याद हो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से के ऐसे वाज मॉडरेट, ऐसे वाज मॉडरेट. डू यू थिंक इट वाज मॉडरेट? देयर वर 2 क्वेश्चंस इन ऐसे व्हिच एवरीवन कुड हैव सॉल्व. देयर वर 2 इजी क्वेश्चन. सो आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 2 वर इजी and about 5 to 6 were moderate, 5 questions were moderate and about 3 questions were tough. Is this correct? This is what, do you agree with this? Yeah. Window बंद कर दो. Yes. Guys, एक question था, right? I'm sorry.
Excellent. Okay, guys, there was a series question. Was there in the theta question 1 into 3 plus 1 into 3 plus 5 into 7 plus 7 into 9 plus hai na? Yeah, 9 into 11 and so on and so forth. So, there is a way to solve the series question actually. There is a way to solve the series question. I mean, अगर आपने progression किया है, इसको कोई manually multiply नहीं करना था. दोस्तों, आपको इसको 10 terms थे ऐसे. There were 10 terms. तो उसका summation पूछा था, काफी लोग इसको manually multiply करके आ गए. तो of course, that's the way you lose the time over there. Okay? But इसका एक technique है, आपको solve करने का. ठीक है ना? Yes, so there is a pattern over here. N into N plus 1. Correct. Guys, ye series ko solve karne ka pattern kya hai? Main aapko bata deta hu, dhyan se suno. Isko solve karne ka pattern kya hai? So 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7. Aise karke 10 terms the, suppose. Aapko iska summation find karna hai. तो गाइस यहां पे कैन आई से दिस इज n, सो दिस इज n plus 2. इफ दिस इज n देन दिस इज n plus 2, बट द ओनली थिंग इज यू आर टेकिंग ओनली ऑड वैल्यू ऑफ n, राइट? दैट्स द चैलेंज. यू आर टेकिंग ओनली ऑड वैल्यू ऑफ n, है ना? तो यहां पे तो अगर आपने 1 ले लिया तो ये 3 तो आ जाएगा, बट जब आप 2 लोगे तो 4 आ जाएगा. तो ये पैटर्न नहीं चलेगा, करेक्ट? ये पैटर्न नहीं चलेगा. यू विल हैव टू थिंक इट इन अ डिफरेंट वे. So you can say 2n minus 1 and the other you can say you will have to create some pattern and then you will take sigma of that. ठीक है? नहीं अंजलि, आप n into n plus 1 नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा. एवरीवन से काफी लोग क्या करके आए, इसको n into n plus 2 करके आ गए. तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि n 1 लिया तो आपको मिलेगा 1 into 3, but what if you take n equal to 2, so this will be 2 into 4, but you don't have 2 into 4 over there, it's just a sequence of odd numbers, right? Yes, exactly. Guys, the correct way is 2n minus 1 and 2n plus 1. See, if the sequence is like this, yeah, 1 into 3 plus 5 into 7 plus 9 into 11. Is this the correct one? Guys, is this the correct one? Jaldi se confirm karo. Kya ye tha? Haan. To fir aap aise kar sakte ho. 2n minus 1 into 2n plus 1. Ye form ho jayega. Dekho, n agar maine 1 le liya, to mujhe kya milega? 1 into 3 milega. N agar 2 le liya, नहीं पर इसमें भी जेल नहीं करेगा. अरे डेसिमल नहीं होता है कुछ. हां हां गाइस, आप एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे बता सकते हो क्या? कैन समवन टेल मी? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी 3 into 5. इट हैज टू बी 3 into 5. ठीक है, फिर 5 into 7 प्लस 7 into 9. डू यू ऑल अग्री विद दिस? इज दिस करेक्ट? अरे दोस्तों, वो डेसिमल नहीं होता है सीक्वेंस के अंदर, वो आपका डॉट जो रखते हैं ना, 1.3, उसको प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. और वो डॉट यहां पे नहीं होगा, वो डॉट मिडल में होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इट इज नॉट डेसिमल. जिस लोगों ने प्रिपरेशन नहीं किया होगा उनको वो डेसिमल लगेगा, जिन लोगों ने प्रिपरेशन किया था वो समझ जाएंगे. ये सीरीज का एक वे है लिखने का. ओके, राइट, फाइन. चलो गाइस, सो दैट वाज वन क्वेश्चन. देन देयर वाज वन रेक्टेंगल क्वेश्चन. यस, देयर वाज वन रेक्टेंगल क्वेश्चन. कुछ ऐसा रेक्टेंगल का क्वेश्चन था. ठीक है, इफ यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन टेलीग्राम द एग्जैक्ट क्वेश्चन. गाइस, इफ यू कैन पोस्ट इट ऑन द ग्रुप. क्या आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हो?
Yes, there was one rectangle question. Rishi Bharadwaj has written one question. Rishi, please keep writing. I know your accuracy is good, Rishi. So if you will write something, I know it will be correct. Okay. So A can empty a tank in 30 minutes, A and B together in 20 minutes time taken if C only open to empty. C nahi ho sakta na. Are Rishi, kya yaar, tumhari tarif kari, tumne question hi galat likha. A can empty a tank in 30 minutes, A and B together in 20 minutes, to C kahan se aa gaya beech mein? हाँ तो वही यार, थोड़ा ध्यान रख के लिखो. तो गाइज ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि ए एम्प्टीज द टैंक इन 30 मिनट्स, ठीक है, एंड ए एंड बी टुगेदर. गाइज अभी एम्प्टी करना है या फिल करना है वो सेम ही हो गया. ए एंड बी टुगेदर डू इट इन 20 मिनट्स, है ना. तो बी अकेला कितने मिनट्स में करेगा, बी अकेला कितने मिनट्स में करेगा, 60 मिनट्स में करेगा कि नहीं दोस्तों, बी अकेला 60 मिनट्स में करेगा कि नहीं. एवरीवन, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना गाइस. जब एक वैल्यू दूसरे का डबल होता है तभी ये जो है ना वो आपका पहले वैल्यू का 2/3 आ जाएगा. तो ये बट इतना अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन से भी कर लेते तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. कैन जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस रेक्टेंगल क्वेश्चन एवरीवन, इफ यू रिमेंबर द एग्जैक्ट रेक्टेंगल क्वेश्चन. ये रेक्टेंगल क्वेश्चन क्या था, देयर वर टू डायगोनल्स राइट, and you were given the area of other two parts, you were given the area of two parts. Okay, Dev Sagar, you have posted two questions. Okay, where is it? Telegram pe post kiya. Okay, just a moment. Kahan pe Dev, tumne Telegram mein group mein post kiya hai? Okay, राइट. जस्ट अ सेकेंड देव, आई एम नॉट गेटिंग योर मैसेज. आईपी मेट प्लस ग्रुप में, अच्छा प्लस ग्रुप में पोस्ट किया है क्या, जस्ट अ सेकेंड लेट मी जस्ट चेक क्विकली. हाँ, so quadrilateral ABCD, two diagonal bisect each other. Guys, two diagonals bisect each other, मतलब ये bisect कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कैसा quadrilateral है. AOB 9, ABCD, ठीक है, उसमें दो quadrilateral bisect कर रहे हैं. AOB आपको 9 दिया है, COD 4 दिया है, COD 4 दिया है. So what is the minimum area of quadrilateral ABCD? Right. मिनिमम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ओके, यस, सीओडी दिया था 4. गाइस क्योंकि अगर आप देखोगे ये दो ट्राइंगल जो है उनका तो आपका कुछ तो गलत है इसमें, डेफिनेटली कुछ गलत है. बाइसेक्ट नहीं हो सकता फिर, क्योंकि ये 9 होना चाहिए बट ये भी 4 होना चाहिए फिर तो, isn't that? तो शायद वन डायगनल बाइसेक्ट दी अदर डायगनल होगा. गाइस टू डायगनल बाइसेक्ट नहीं होगा, वन डायगनल बाइसेक्ट दी अदर डायगनल होगा, इज दैट करेक्ट. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विथ डायगनल पासिंग थ्रू पीटी form two triangles AOD and BOC, AOD and BOC, okay, हाँ AOD and BOC दिया हुआ है, nothing is like bisect. ये कहां से ले आए, bisect कहां से आ गया देव, ठीक है ना. So yes, Rishi has written it correctly, 9 and this is 4. So minimum area आपका कितना होगा, ओके, सो गाइस
वन थिंग इज फॉर श्योर कि देखो ये दो ट्राइंगल के हाइट तो सेम हो गए, ये दो ट्राइंगल के हाइट सेम हो गए, तो उनका जो एरिया है वो उनके बेस के रेशियो में होना चाहिए. सिमिलरली इन दोनों का एरिया, सो दिस इज गोइंग टू बी अ टफ क्वेश्चन. एब्सोल्युटली इट्स नॉट एन ईजी केक वॉक तो नहीं है ये. ठीक है राइट. सो यहां पे आप एक तो ये ले सकते हो कि ये 4 ले लो और ये 9 ले लो. ठीक है सो मोस्ट लाइकली इट इज कमिंग आउट टू बी 26, मे बी 26 बट नॉट श्योर. ठीक है इसमें कुछ और भी हो सकता है गाइस. हाँ रेक्टेंगल नहीं है, इट्स जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल गाइस, इट्स नॉट अ रेक्टेंगल. ओके बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, वी नीड टू थिंक. ओके आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द क्वेश्चंस. भाई देव तुम रहने दो, मत पोस्ट करो क्योंकि आई गॉट द आइडिया. तुम पोस्ट करते हो, तुम अगर इंटरसेक्ट का बाइसेक्ट कर दोगे ना तो यहां पे क्वेश्चन गलत हो जाता है. सो लिव इट, इट्स ओके. पेपर वॉज मॉडरेट टू हार्ड गाइज, देर वर डेफिनेटली इजी, सॉरी देर वर वेरी फ्यू इजी क्वेश्चन बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर मॉडरेट टू हार्ड. ठीक है अच्छा अच्छा गाइज, देर वॉज अ नाइस क्वेश्चन, देर वॉज वन मोर क्वेश्चन. इट वॉज ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आई डोंट नो मेनी ऑफ यू कुडंट रियलाइज. सो एक प्लेन दिया हुआ है एंड देर आर सम फाइव वर्टिकल लाइन्स, सॉरी फाइव हॉरिजॉन्टल लाइन्स. एक प्लेन में पांच हॉरिजॉन्टल लाइन्स है या एंड कुछ वर्टिकल लाइन्स है, ये तो आपको पता है कि पांच है एंड देर आर एन वर्टिकल लाइन्स राइट. देर आर देर वर एन वर्टिकल लाइन्स एंड देन यू वर दिस आर एन लाइन्स एंड यू वर टोल्ड के 360 रेक्टेंगल्स, हाँ फाइव पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन्स राइट, 360 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं राइट, 360 रेक्टेंगल्स बन रहे थे. तो गाइज इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, मतलब आपको यहां पे ये लिखना था कि 360 प्रोडक्ट कैसे आ सकता है. तो डेफिनेटली 5C2 इंटू NC2, क्योंकि एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको दो वर्टिकल लाइन चाहिए एंड कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, पैरेलल है सब कुछ. तो ये आपका 360 दिया हुआ है. तो यहां पे जैसे ही आप सॉल्व करोगे 5C2 इज 10, तो NC2 विल कम आउट टू बी 36 राइट. सो 9 इंटू 8 बाई 2 इज 36 डेफिनेटली. सो N आपका 9 होना चाहिए था, सो देयर शुड बी 9 पैरेलल लाइन्स, मतलब वो 9 वर्टिकल लाइन्स होने चाहिए थे. करेक्ट एवरीवन? यस. तो ये क्वेश्चन तो जस्ट अ सेकेंड गाइस. करेक्ट. सो दिस वॉज एन इजी क्वेश्चन. ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन आपने कोई भी मेरा पीएनसी का क्लास किया है तो आप कर सकते थे. नाउ गाइज बिफोर वी गो अहेड, आई जस्ट वांट टू टेल ऑल माय व्यूअर्स दैट वी हैव यू नो ऑन अनअकैडमी वी हैव प्लस बैचेस फॉर योर आईपीमैट 2022 एंड 23 प्रिपरेशन. इवन आफ्टर दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, वी हैव नाइस कोर्सेस अवेलेबल फॉर दैट. टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग ओवर हियर. सो प्लीज ज्वाइन प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी यूजिंग दिस कोड SHAR10. इफ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट सब्सक्रिप्शन, यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम एट @RonakLive. Once again, if you want to know about subscription, only then ping me over here. Otherwise, you can join my Telegram group. Our Telegram group is IPMAT. IPMAT for IIM. Very simple group. IPMAT for IIM. Let me just write some different color so that all of you can remember. So please join this Telegram group for your IPM preparation. Right? Okay. Apart from that, guys, this is a bit about myself once again. And yeah, these are the groups. So, aap dono group join kar lena. This is my ID. And yes, we have the plus batches available. New batches are starting soon. So, please join it. Here are the subscription plans. Very economical, guys. For 1 year, you just pay 18,000 after discount. So, matlab aap jab ye code SHAR10 apply karte ho, aapko discount bhi milta hai aur mera guidance bhi milta hai.
right? So please apply this code. And yeah, I conduct many free sessions. For example, my Lakshya batches are going on. So please join me for this Lakshya batches also. Now let me discuss few more questions. Some more questions are coming up. 30 students gave exam for 5 subjects. Everyone, let's talk about questions once again. And please sharing your questions over there in the chat box. So here is one more MCQ question, I believe. 30 students gave exams of 5 subjects and average marks was 80% marks. Total marks was 200. If 2 students ask for recorrection and no one got negative marking and the average is now 80.02, how much correction was made? How much correction was made? So guys, this is a very simple question. Number of students, 30, okay, gave exams of 5 subjects. So yahan pe an average marks was 80% and total marks was 200. Okay, so average is given as 80%. Total marks kuch galat lag raha hai isme fir se, kyunki aapko dekho yeah fine, aisa ho sakta hai ki total marks 200 diya hai. Just a second guys. Right, is this correct? Is this correct question? Would you like to add some data in this? Haan, total marks aapko 200 diya hai. And average marks aapko 80% diya hua hai. Aisa kuch tha kya? Haan, dekho. Total marks 200 ya each subject ka 200 marks hai guys. Please, can you just confirm? Each subject, really saying each subject 200. ठीक है, वही है ना, देखो आप लोग है ना question ठीक से याद नहीं रखते हो, फिर आप कुछ भी बताते हो. तो guys please remember accurately, मतलब इतना थोड़ा सा याद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा paper याद कर लो, लेकिन कुछ question हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, right? So each subject, so there were 5 subjects, each subject of 200 marks, so total marks हो गया 1000. टोटल मार्क्स हो गया 1000 एंड यहां पे आपको एवरेज दिया है, राइट? ओके गाइस, आपको ऐसा बताया हुआ है कि द पर्सन ऑब्टेन द मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स वर 80%, ऑब्टेन मार्क्स वर 80%, तो यू कैन से 800, राइट? नाउ आफ्टर करेक्शन ही गॉट 80.02%. तो गाइज 80.02 कर दोगे तो आपके कितने मार्क्स बढ़ गए, ठीक है ना? सो 1% इज दिस वन. अगेन इसमें कुछ गलती लग रही है, 0.02 बहुत ही छोटा वैल्यू आ जाएगा. हाँ गाइज, व्हाट इज द मार्क्स आफ्टर करेक्शन? व्हाट इज द मार्क्स आफ्टर करेक्शन, कैन यू प्लीज मेंशन? 80.02, ओके. हाँ, 80.02 था या 80.2 था? ओके ठीक है, राइट? क्योंकि 80.02 विल कम आउट टू बी वेरी स्मॉल नंबर. अच्छा एक सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 30 है ना, राइट? सो टोटल आपका यहां पे क्या हो जाएगा, 30 × 800 करना पड़ेगा. टोटल ऑप्टेन कर दो, या फाइन, टोटल ऑप्टेन 30 × 800 कर दिया. अब उसमें आपको ये जो भी मार्क्स है उसका 0.02% निकालना है. बेसिकली द क्वेश्चन इज अबाउट फाइंडिंग 0.02% ऑफ दैट. डू यू ऑल अग्री विथ दिस गाइस? क्योंकि देखो हर एक स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम लिखा. हाँ, हर एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का था तो उसका कितना हो गया, 5 × 200, दैट इज 1000 हो गया, ठीक है ना? आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, आपको सिर्फ ये निकालना है कि टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे, 30,000 टोटल मार्क्स है. अब उसका 80%
एंड उसका 80.02% में क्या डिफरेंस है? बस तो व्हाट इज 0.02% ऑफ दिस नंबर? तो इट इज गोइंग टू बी, अगर आप 1% देखोगे 0.02%, इट इज गोइंग टू बी 6. आर गेटिंग दिस पॉइंट गाइज? इट इज गोइंग टू बी 6, राइट? So this is how you can solve the question. You just had to find out, you know, you just had to find out that 0.02%. You just had to find out 0.02% of 30,000. If the question is what you are mentioning, guys. Yep. Do you all agree with this? इसमें आपको एवरेज 80% है ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है गाइज. एवरेज 80% है और फिर वो 80.02 हो गया, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज 0.02% ऑफ 30,000, एंड दैट इज वेयर गाइस योर कैलकुलेशन कम्स इन द पिक्चर. सो 30,000 का अगर आप 1% निकालोगे तो कितना आएगा? 300 आता है. तो अगर मैं 0.1% निकालता हूं तो कितना आएगा? 30. तो अगर मैं 0.01% निकालूंगा कितना आएगा? 3. तो 0.02%, मतलब ये आपको एग्जाम में करने नहीं बैठना है. दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग व्हेन यू आर डूइंग प्रिपरेशंस. जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तभी ये हो जाना चाहिए. एक्चुअल एग्जाम में तो सीधा आपको पता चलना चाहिए कि 0.01% मतलब 4 डेसिमल रखना है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट गाइस. चलो सो कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं. अच्छा, मे आई प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन गाइस. यू नो वी आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, अवर टीम इज पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू हेल्प यू आउट टू कम अप विद सच सेशंस and to you know interact with all the students. So if you all can hit the like button, it would be really amazing guys. So please everyone press the like button and please share it with your friends also. Please share it with your friends also. Very soon I'll release the actual paper with the answers. ठीक है, तो सब लोग जल्दी से इसको like कर दो पहले. या एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट मी टू डिस्कस? अच्छा, कट ऑफ क्या होगा? कट ऑफ क्या होगा? चलो जल्दी से कट ऑफ की बात कर लेते हैं दोस्तों. सो मतलब इनिशियल इंप्रेशन मुझे ऐसा मिला था कि पेपर वॉज मॉडरेट, बट नाउ आई कैन से कि पेपर वॉज टफ. बट इंदौर पेपर कब इजी एक्सपेक्ट किया गया था? इंदौर पेपर वॉज नेवर एक्सपेक्टेड टू बी इजी. एंड लुक एट द कट ऑफ गाइज. तो हमें 2020 वाला देखना है. 2020 के लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या थे? तो लास्ट ईयर भी 40 मार्क्स आपका ये शॉर्ट आंसर कितना था? उसमें 10 क्वेश्चन थे ना, राइट? सो देयर वर 10 क्वेश्चंस और उसमें कट ऑफ था 20 मार्क्स का. तो इस बार भी मुझे कट ऑफ लग रहा है अराउंड 17 टू 18 मार्क्स. आई फील द कट ऑफ शुड बी अराउंड 17 टू 18 मार्क्स. शायद 20 नहीं होगा बिकॉज पेपर वॉज स्लाइटली ऑन द टफर साइड. ठीक है, बट येस नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स ऊपर जा रहे तो इट मे गो अप टू 20, बट 18 इज व्हाट यू कैन काउंट. Guys, so this year cutoff, let me just write over here my analysis. I'm just writing 18 over here. MCQ, again, it will be close to the typical 25 to 27. Kyunki last year bhi 80 marks ka tha, 20 questions the. So, isse jyada mujhe nahi lag raha hai jayega because most of the students have solved about 8 to 9 questions. ठीक है, तो अगर 8 question भी ले लिया मैंने और उसमें से एक आध गलत है तो आपका नेट स्कोर आएगा 25-26. सो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू वेरी सो मच. एमसीक्यू थोड़ा सा नीचे जाएगा, 20 की जगह पे 18 आ सकता है. सॉरी, शॉर्ट आंसर थोड़ा सा नीचे जाएगा. एमसीक्यू पता नहीं. अच्छा, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग सर एमसीक्यू वाज वेरी हार्ड, नहीं हो पाएगा. अच्छा, ओके ओके गाइस, जस्ट वन मोर थिंग. यस, आई फॉरगॉट टू इंक्लूड दैट फैक्टर. एमसीक्यू के अंदर जो डीआई था ना, डीआई वाज नॉट डूएबल बिकॉज गेम्स एंड टूर्नामेंट वी डोंट एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू डू इट, राइट? गेम्स एंड टूर्नामेंट वी डोंट एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू डू इट. तो येस, डेफिनेटली इट शुड गो बिलो दिस, क्योंकि लास्ट ईयर तो गेम्स एंड टूर्नामेंट नहीं था. लास्ट ईयर वॉज अ डूएबल डीआई सेट, बट इस बार वो गया है तो थोड़ा सा कम जा सकता है. 23-24 कर देते. आई एम जस्ट फैक्टरिंग दिस डी आई पार्ट. 23-24 इज वॉट आई एम थिंकिंग आफ्टर फैक्टरिंग द डी आई पार्ट, बट आई नीड टू लुक एट हाउ टफ वॉज द सेट वंस अगेन. या ओके, एंड वी ए गाइज, वी ए डू यू थिंक 68 इज डूएबल आउट ऑफ 120? 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स,
तो 68 व्हाट डू यू थिंक अराउंड शुड इट बी सेम 65 टू 70 ठीक है सो दिस शुड बी द कट ऑफ ओवरऑल की अगर बात करें तो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो आपके ओवरऑल जो थे 114 था लास्ट ईयर सो दिस ईयर ऑल्सो आई फील 110 प्लस ओवरऑल शुड बी द कट ऑफ ओवरऑल गाइज 2021 110 प्लस शुड बी द कट ऑफ ओके किस क्वेश्चन का सोनाली आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन सोनाली इफ यू कैन जस्ट रिपोस्ट द क्वेश्चन इफ यू कैन रिपोस्ट द क्वेश्चन इट वुड बी गुड ओके ओके देवर्षी सेइंग सर एग्जाम वेंट वेल सॉल्व 60 क्वेश्चंस 9 इन शॉर्ट आंसर देन सॉरी 6 इन शॉर्ट आंसर 9 इन एमसीक्यू एंड 19 इन वीएआरसी परफेक्ट अटेम्प्ट देवर्ष आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी थी होपफुली यू विल क्लियर द कट ऑफ ओके नाउ हियर आर गाइस सम मोर टिप सम मोर इनपुट्स इज कमिंग अप ठीक है मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स रिक्वायर्ड टू मेजर एनी वेट बिटवीन 1 to 100 ग्राम्स एवरीवन डू यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स रिक्वायर्ड ठीक है मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स रिक्वायर्ड एक और क्वेश्चन आ रहा है जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स रिक्वायर्ड ठीक है टू मेजर 1 to 100 grams, right? 1 to 100 grams या केजीज होगा गाइस सपोज किलोग्राम्स ले लेते हैं तो गाइस दिस इज बेस्ड ऑन पावर ऑफ टू कॉन्सेप्ट दिस इज बेस्ड ऑन पावर ऑफ टू कॉन्सेप्ट सो यू विल रिक्वायर 2:0 2:1 2:2 अप टू यू विल रिक्वायर्ड 2:5 And then last one will be 37 kg. So you will require total 7 weights. ठीक है? So guys, इसका इसका rule क्या होता है? पता है? 2:n should be greater than or equal to the range that you want to measure. Range that you want to measure. मतलब यहाँ पे 1 to 100 है तो आप 100 ले लोगे. So guys, 2:7 is greater than or equal to 100. है ना? So answer should be 7. Very easy puzzle. दिस वॉज एन ईजी पजल गाइज अगर आप मेरे सेशन अटेंड करते हो डेली लाइव अटेंड करते हो तो डेफिनेटली आपने ये क्वेश्चन किया हुआ होगा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एंड थैंक्स सुहानी फॉर दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ 5-digit नंबर्स फॉर्म सच दैट ऑड नंबर्स टेक ऑड प्लेसेस ओनली एंड विदाउट रिपीटेशन ओके गाइज दिस इज अ नाइस क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन एवरी वन नंबर ऑफ 5-digit नंबर्स नंबर ऑफ 5-digit नंबर्स सच दैट द ऑड डिजिट्स टेक ऑल ऑड प्लेसेस ओनली ठीक है तो कितने आएंगे ये कम ऑन गाइस जल्दी से यस यस ओके सो गाइज यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है कि दिस इज द फर्स्ट आप इसको फर्स्ट डिजिट कह सकते हो डजेंट मैटर इसको थर्ड कह दो और इसको फिफ्थ डिजिट कह दो ठीक है जैसे करना है या फिर वाइस वर्सा लिखो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा आप लेफ्ट साइड से जाते हो तो फर्स्ट डिजिट थर्ड डिजिट एंड फिफ्थ डिजिट लिखो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई दे ऑलवेज मेंशन इट दिस वे ठीक है सो गाइज यहां पे ऑड डिजिट ही आना चाहिए एंड रिपीटेशन का कुछ मेंशन नहीं है गाइज वॉज इट मेंशन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और समथिंग कैन यू जस्ट कंफर्म वॉज रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड इफ यू कैन जस्ट कंफर्म बिकॉज दैट डेटा इज नॉट देयर आई जस्ट वांट टू कंफर्म इफ रिपीटेशन इज अलाउड ठीक है तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है
नो मेंशन नहीं था या नॉट अलाउड लिखा था? व्हेन नथिंग इज मेंशन तो रिपीटिशन इज अलाउड गाइस. व्हेन नथिंग इज मेंशन दैट मींस रिपीटिशन इज अलाउड. व्हेन क्लियरली इट इज मेंशन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ओनली देन यू विल से नॉट अलाउड. ओके, डिस्टिंक्ट लिखा था. अच्छा, डिस्टिंक्ट डिजिट्स लिखा था क्या? फाइव डिस्टिंक्ट डिजिट्स रखने थे हमें. ओके, तो कैन आई से गाइस फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड फ्रॉम एनी ऑफ दिस, यू नो वी हैव फाइव और डिजिट्स, 1, 3, 5, 7, 9. सो फर्स्ट इन फाइव वेज, देन दिस वन इन फोर वेज, एंड दिस वन इन थ्री वेज. नाउ थ्री डिजिट्स आर गॉन. ठीक है, नाउ यू हैव दिस डिजिट्स. इनफैक्ट नाउ वी डोंट नीड टू चेक दिस वन. ठीक है, सो थ्री डिजिट्स आर गॉन. नाउ यू हैव सेवन डिजिट्स, यू हैव सेवन डिजिट्स. तो सेवन वेज में ये फिल कर दो और बाकी के सिक्स वेज में ये फिल कर दो. सो आंसर शुड बी दिस वन. सो इट विल बी 42 into 120, 42 into 60. ठीक है, दैट इज 2520. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो डिस्टिंक्ट वर्ड लिखा है या नॉट अलाउड लिखा है तो वो वन एंड सेम हो गया. फिर एक और क्वेश्चन आ रहा है, लॉगरिदम का एक इजी क्वेश्चन था. आई थिंक लॉगरिदम क्वेश्चन वॉज इजी. ठीक है, देर वॉज एन इजी लॉगरिदम क्वेश्चन. सो गाइज लुक एट दिस क्वेश्चन, आई मीन इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड यू शुड हैव डन दिस. सो लॉगरिदम का जो क्वेश्चन था दैट वॉज एन इजी क्वेश्चन. डू यू ऑल अग्री विथ दिस? कैन यू जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स? अच्छा, देर वॉज नो प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन. सो प्रॉफिट लॉस एंड एस आई सी आई पे कोई क्वेश्चन नहीं था, राइट? देर वॉज नो क्वेश्चन ऑन दिस वन, जीरो क्वेश्चन ऑन दिस एरिया. तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा. ओके, फाइन गाइस. सो इन नटशेल आई थिंक यू नो इट वॉज ओवरऑल अ गुड पेपर एज यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इंदौर. नाउ प्लीज वॉच माई वीडियो ओवर हियर. मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. एंड इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर 2022 और 2023, क्विकली ज्वाइन माई प्लस बैच यूजिंग दिस कोड SHA10. SHA10 अप्लाई करना मत भूलना, ताकि मैं आपको गाइड करूंगा पूरे प्रिपरेशन में. एक चीज मैं बताता हूँ, अनएकेडमी के जो मॉक हमने डिजाइन किए थे देवर एक्चुअली एट पार विथ दी यू नो पेपर दैट स्टूडेंट्स हैव एक्सपीरियंस टूडे. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अग्रीड टू दिस थिंग. सो येस, यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस अनएकेडमी मॉक्स एंड कीप अटेंडिंग माई डेली फ्री लाइव सेशन दैट आई एम कंडक्टिंग. एंड येस, आई कम अप विथ द कंप्लीट पेपर एनालिसिस इन अबाउट अ डेज टाइम, अ डे और टू. तो प्लीज वॉच फॉर दैट ऑल्सो. That's it from this session. Keep learning, guys, and do not forget to like this session. And please share it with your friends also. So I'm ending this session over here. You can continue discussing in your chats. But please participate. Please join me once again when I come live or when I release the video on the complete paper analysis. That's it, guys. Thank you. Bye-bye.